मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रस का रिवीजन लूँगी। आपको मैंने रस के बारे में बताया था कि रस की किसे कहते हैं। रस का अर्थ होता है आनंद। उसके बाद आपको मैंने बताए थे रस के कितने अव्यय या भेद होते हैं। रस के चार भेद होते हैं, स्थाई भाव, विभाव और उसके बाद अनुभव और संचारी या व्यभिचारी भाव। उसके बाद मैंने आपको बताया था रस नौ प्रकार के होते हैं, श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभस, अद्भुत और शांत। इसके बाद इनके स्थाई भाव बताए थे, श्रृंगार रस का प्रेम या रति, हास रस का हंसी, करुण का शोक या दुख, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभस का घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य और शांत का निवेश। उसके बाद मतलब बताया था आचार्यों ने, इसके बाद दो रस और जोड़े थे। इनमें पहला रस होता है क्या, वात्सल्य रस और दूसरा भक्ति रस। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके पेपर में ये प्रश्न किस प्रकार से आएगा। ये विकल्प सहित आएगा, चार विकल्प दिए होंगे, उनमें एक में टिक मार्क करना होगा। जैसे पहला प्रश्न है रस के कितने भेद या अव्यय होते हैं। उसके बाद है 5, 2, 3, 4। मैंने आपको अभी बताया कि रस के चार अव्यय या भेद होते हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी या व्यभिचारी भाव। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है, अभी आपको मैंने बताया था श्रृंगार रस का स्थाई भाव। यदि आपको याद है रति, तो आपको इसमें ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस यहाँ दिया हुआ है हास्य, शोक, भय या रति, तो आप रति में टिक मार्क करेंगे तो यह आपका क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। तीसरा है करुण का स्थाई, करुण रस का स्थाई भाव क्या है, भय, निवेद, रति या शोक। तो करुण रस का स्थाई भाव जो है वो है शोक। उसके बाद आगे है उत्साह, स्थाई भाव का कौन सा रस है, उत्साह स्थाई भाव है और इसका कौन सा रस है, वीर, भयानक, हास या श्रृंगार। तो इसमें वीर आएगा, वीर में आप टिक मार्क करेंगे। रसों का राजा या रस राज किसे कहा जाता है, अब इसमें चार क्यों दिए होंगे आपको, रौद्र दिया है, श्रृंगार, करुण और वीर। तो आप क्या करेंगे, श्रृंगार में रसों का राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। भय की अधिकता किस रस में होती है, भय की अधिकता किस रस में होती है, इसमें आपको दिए हैं वीर रस में होती है, करुण रस में होती है, भयानक रस में होती है या रौद्र रस में होती है। तो भय की अधिकता भयानक रस में होती है। निवेद किस रस का स्थायी भाव है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस का, श्रृंगार रस का, रौद्र रस का या करुण रस का, तो आप शांत में करेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आपको दिया है 2, 9, 4, 6। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको एक उदाहरण दिया होगा और उसमें बताना होगा ये किस रस का उदाहरण है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो यह कौन सा रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है या करुण रस है, तो ये शांत रस का उदाहरण है। आज मैंने आपको ये बताए हैं पेपर में आपके ये कैसे आएंगे रस पेपर में, इस प्रकार से आपका पेपर आएगा रसों का, आप करना पड़ेगा आप लोगों को, इस तरह से आपको रस को याद करना है।